आज के व्लॉग में हम बात करेंगे निज़ामी स्ट्रीट के कुछ बेस्ट फूड पॉइंट्स की, जहां आपको बजट फ्रेंडली और लजीज टेस्ट का मज़ा मिलेगा। इसके अलावा हम बाकू के कुछ कॉन्टीनेंटल और ट्रेडिशनल खानों की बात करेंगे जो यहां के खास अंदाज में बनाए जाते हैं। मैं हूं शर्जील और आप देख रहे हैं गैजेट्स में व्लॉग्स, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निज़ामी स्ट्रीट के एक पॉकेट फ्रेंडली फूड स्पॉट शावरमा नंबर 1 की, जो कि यहाँ का मशहूर और लजीज शावरमा चेन है। यहाँ के तमाम शावरमे बहुत ही बेहतरीन हैं और ये स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए मस्ट ट्राई ऑप्शन है। शावरमा नंबर 1 का पाइड जो कि आप देख रहे हैं, इनका ये बेस्ट आइटम है जिसके प्राइस तकरीबन 11 मनत है, लेकिन ये आपको पूरी वैल्यू फॉर मनी देगा। बाकी इनके सारे शावरमे बहुत ही अच्छे और बड़े साइज में मिलते हैं, जो तकरीबन 5 मनत के आसपास मिलेंगे आपको। निज़ामी स्ट्रीट पर इनकी 2 ब्रांचेज हैं जिन्हें आप आसानी से गूगल पर सर्च करके ढूंढ सकते हैं। मेरी बाकू सीरीज की पिछली व्लॉग्स में मैंने देसी डिवाइन रेस्टोरेंट रिकमेंड किया था, जो कि इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको ऑथेंटिक फास्ट फूड ट्राई करना हो तो फ्राइडे का फूड भी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने फ्राइडे का जिक्र भी अपनी पिछली व्लॉग में किया था और ये दोनों जगहें उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो बाकू में देसी या फास्ट फूड का मज़ा लेना चाहते हैं। निज़ामी स्ट्रीट के अतराफ में ही एक कॉफ़ी शॉप है, यानी स्ट्रीट फूड कॉफ़ी शॉप है, जिसका नाम है कॉफ़ी लाइट, जहाँ की कॉफ़ी मैं रिकमेंड करूँगा। बहुत ही लजीज और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यानी जैसी कॉफ़ी आप चाहते हैं, एक डिफरेंट मज़ा लेना चाहते हैं, तो ये कॉफ़ी लाइट ये आउटलेट है जहाँ पे हमने ये कॉफ़ी ऑर्डर की। आप देख सकते हैं इनकी कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, यहाँ पे आके आप कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। आपकी आंखों के सामने ही ये कॉफ़ी को देखिए मैश करके, जो भी ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये ऐसा मैंने पहली बार देखा जिस तरह से ये हो रहा है और जिस तरह से रेडी करके कॉफ़ी को बिल्कुल एक फाइनल टच दे रहे हैं, जो कि बहुत आई प्लीजिंग लगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। No problem. The most awaited restaurant जहाँ हम आना चाह रहे थे, डोलमा रेस्टोरेंट, यहाँ आप आ गए हैं, यहाँ हम आ गए हैं। जाओ अंदर जाओ भाइयों, कुछ इस तरह से एम्बियंस है इसका, डोलमा का। है बहुत जगह है, आ जाओ। लोगों को लग रहा है यहाँ रश है, लेकिन रश नहीं, देखो भाई ये जगह देखो। वालेकुम अस्सलाम। 3% 3% ब्रदर, बी आर 3%। ओके इट्स नाइस। ये आप देख सकते हैं इसका मेन्यू, में ऑन करता हूँ, लेकिन मेन्यू काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। हम आपको बताएंगे इसका रिव्यू खाने के बाद हमने क्या मंगवाया। ये सलाद है, मंगवा लो, बहुत भी अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर अभी तक सलाद ही चल रहा है। कबाब जो है ना, कबाब देखो ये है, ये कबाब है 28 इसकी चर्बी लग रही है, चर्बी क्या? ये लैम्ब शोल्डर है, पूरा लैम्ब शोल्डर है, ये आपके समझ शायद ना आए। ठीक है वो क्या हो जाएगा ट्रांसलेट? लैम टोमेटो अनियन मेजरमेंट्स लिख लिखा होता है, लैम और हां लिख रहा है, ये अच्छा लगेगा। हां ये दिल से देखो,
ये लैम की डिश है, और भी चीजें हैं। कौन सी ये? ये देखो, ये भी अच्छा लग रहा है, ये कैंडल एंड चेरी अनियन, ये बेस्ट है। हाँ ये है, इसको लिखा हुआ है चिकन फिलेट, ये अच्छा है, ये आई थिंक इनफ फॉर गुड। तो भाइयों ये ऑर्डर हमने कर दिया, इंशाल्लाह ऑर्डर जो भी आएगा आपको बताएंगे। और यहाँ पे कुछ हमें इंडियन फ्रेंड्स भी मिल गए जो मेरे पीछे बैठे हैं। अच्छा फ्रेंड्स क्या एक होता है कि अच्छा लगता है, इंडिया का हो या पाकिस्तान। समझ अभी तक क्या सर्च कर रहे हो आप? आपने ऑर्डर तो कर दिया। मैं टाइम पास कर रहा हूँ, जैसे मैं आदत है। तो हमसे बात करो टाइम पास करने के लिए यार, आप क्या मतलब कर रहे हो? अरे आप क्या कर रहे हो? हमने तीन नान ऑर्डर किए थे, तो ये तीन नान आ गए हैं, देख सकते हैं आप। इन्होंने पहले जो है तीन नान हमें सर्व कर दिए, मेन कोर्स अभी आया नहीं है। अभी इनकी क्या लॉजिक है, थोड़ा जबान का भी इशू है, जब क्या आता है कैसा लगता है पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। टेस्ट करते हैं आपको बता देते हैं क्या है ना। इसमें ऑलरेडी इतना मीट हो गई थी, एक और चीज एक और भी रिश्ता खा के देखो ना यार, खोलोगे तो ऐसा लगेगा अंदर खा के। इसके अंदर मीट है और बड़ा टेस्टी है, स्पाइसी नहीं है लेकिन टेस्ट अच्छा है। दही है यार, दही है। इन्होंने जो चीज दी है दही है ये। जी समद भाई, ये आपने जो खाया ये कैसा लगा? अच्छा था, अच्छा था, तो थोड़ा डिफरेंट था। और ये डोलमा कैसा लगा? डोलमा भी अच्छा था, डोलमा भी अच्छा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब एक डिश मंगवाई है हमने, उसका नाम है पुलाव टाइप की चीज़ है, तो इंशाल्लाह वो देखेंगे वो तो कैसी आखिरी डिश हुई है। इसका नाम है सिंजा, बाजार तो ये राइस है, राइस है और राइस के साथ जो है ये खाता चमचा का जरा आप खाए खाए बताए लाइव रिव्यू दो ना, एक दो लोग पता चलेगा। हाँ समद भाई हमारे जन हमारे समद भाई जो है वो कह रहे हैं कि आई मिस थाईलैंड। समझ भाई बिल्कुल आराम से लेना मुंह में और मुंह में लेके थोड़ी देर घुमाना और फिर खा के बताना कैसा पाना। इसका जो टेस्ट पता क्या, थोड़ा कढ़ाई और कोरमे टाइप का है जो इसका है, मीठापन आ रहा है मुझे जो लगा। लेकिन समझ भाई हमारे फूडी फूडी है, गरम है, गरम है, लैम का था ना। हाँ लैम का भी चक्रांत जाता है, ये दुम्बा होता है बेसिकली, लेकिन टेस्ट अच्छा होता है। कैसे टेस्ट अच्छा, टेस्ट अच्छा है। इन्होंने पास कर दिया। ये इसका जो हमें टेस्ट समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा कोरमा लैम कढ़ाई, स्पाइसी नहीं है, थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट है, थोड़ा स्पाइसी है। हाँ अच्छा है वैसे, लेकिन वो ज्यादा अच्छा था जो हमने पहले मंगवाया था। सूप क्या था मुझे नहीं पता, मैं आपको दोबारा मेन्यू देख के बताता हूँ। ये चीज भाई 22 मिनट, ये रिकमेंडेशन है, ये जरूर ट्राई कीजिए, ये नाम देख लो, ये बेस्ट डिश है। This is very elegant, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और लाइट थोड़ी कम है लेकिन बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है।
वॉशरूम पे गया, काफी अंदर तक है। डोलमा रेस्टोरेंट में आपको ये आजर चाय मिलेगी। ये तकरीबन 6 मनात की लिखी हुई है यहाँ पे, 6 मनात की, और ये कुछ इनके अपने मुरब्बे वगैरह हैं 6 मनात के। यहाँ पे आपको हर तरह की वाइन मिलेगी, बिल्कुल इजीली अवेलेबल होती है सारी वाइन यहाँ पे, जैसी वाइन चाहे आपको मिल जाएगी। तो ये था भाइयों डोलमा का हमारा रिव्यू। अच्छा खाना है, खाना अच्छा है, पैसे थोड़े ज़्यादा लेकिन सही है, कराची में भी ऐसा ही होता है।